कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका यूज़ क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, इसे हम डिजिटल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, तो सेकेंड नाम याद रखना, ठीक है। तो अभी चलिए जान लेते हैं व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस इन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्मेट। दिस डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिजिटल या एनालॉग डेटा दोनों हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल डिवाइसेस में, दो या दो से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस में, ठीक है। तो वो डेटा जो है एनालॉग फॉर्मेट में भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये डेटा ट्रांसफ़र होगा बिट्स के फॉर्म में, डेटा बिट्स के फॉर्म में होगा। कौन सा डेटा, या तो ये एनालॉग डेटा बिट्स के फॉर्म में होगा, या तो ये डिजिटल वाला डेटा बिट्स के फॉर्म में होगा। यहाँ पे और होगा, ठीक है, एंड नहीं होगा। या तो एनालॉग डेटा या डिजिटल डेटा, हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वही होता है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के जरिए ही हम दो या दो से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस में एनालॉग या डिजिटल डेटा को बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन वायर यूज़ करते हैं, या फिर आप उसे चैनल भी बोल सकते हैं। वो क्या होगा, कोएक्सियल केबल होगा या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल होगा। इसी केबल की मदद से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। और डेटा ट्रांसमिशन का यूज शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन का दो टाइप होता है, पहला हो गया पैरेलल, सेकंड हो गया सीरियल। तो सीरियल को भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो अभी हम सबसे पहले आपको पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे चलिए जान लेते हैं, जैसा कि इसका नाम क्या है, पैरेलल। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मतलब डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र होगा। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन सेंड्स मल्टीपल डेटा बिट्स एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल चैनल्स। तो ये जो मल्टीपल चैनल्स हैं ना, ये कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकते हैं, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे चैनल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिगर मैं बना रहा हूँ, तो इसको आप कंसीडर करो, ये कौन है, ये है सेंडर और ये कौन है, ये है हमारा रिसीवर। मान लो सेंडर 5 बिट्स डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, 01010 5 बिट्स डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में यही होता है कि जितना बिट्स डेटा होगा, हर बिट्स के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन होगा डेटा को भेजने के लिए। इस चैनल से कौन सा डेटा आएगा, 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा इस वाले से, और ये 1 इस वाले से ट्रैवल होके यहाँ पे रिसीव होगा रिसीवर के पास, और लास्ट में ये 0 इससे आएगा। तो 5 बिट्स डेटा हमारे पास थे, तो 5 कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ी। तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम चैनल यूज़ कर रहे हैं, यही है फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर हमारा कोएक्सियल केबल, इसी को बोलते हैं हम चैनल। इसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का 2 एडवांटेज होता है। सबसे पहला एडवांटेज कि इसमें डेटा एक बार में ही रिसीवर के पास पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक डेटा बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन वायर है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि हर एक बिट को डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि 5 बिट डेटा है, 5 वायर यहाँ पे देखो हम यूज़ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, इसका यूज़ हम शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन का सेकेंड टाइप होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सेंड्स डेटा बिट्स वन आफ्टर अनदर ओवर अ सिंगल चैनल। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में एक सिंगल चैनल होता है, और इसी सिंगल चैनल के थ्रू हम डेटा बिट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक डेटा बिट ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद इस 1 डेटा बिट ट्रांसफ़र होने के बाद सेम चैनल से दूसरा डेटा बिट ट्रांसफ़र होगा, मतलब एक के बाद दूसरा आएगा, एक साथ इसमें नहीं होता है।
तो यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये कौन है? ये है सेंडर जो कि डेटा को सेंड कर रहा, और यहाँ पे ये कौन है? ये है रिसीवर जो कि डेटा को क्या कर रहा? रिसीव कर रहा। तो सेंडर ने मान लो डेटा यहाँ पे 01010, ठीक है, ये डेटा है, 6 बिट्स का डेटा है, और यहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कम्युनिकेशन वायर ही है। सेंडर के पास ये डेटा, सेंडर ये डेटा रिसीवर को देना चाहता है, तो सबसे पहले एक कम्युनिकेशन वायर है, तो सबसे पहले ये 0 आएगा यहाँ पे, और ये 0 रिसीवर को रिसीव होगा। उसके बाद ये 0 रिसीव हो गया तभी ये यहाँ से हट जाएगा, अभी ये 1 आएगा, फिर 1 रिसीवर रिसीव करेगा, फिर इसी तरह से 0 आएगा, 1 आएगा, ये 0 आएगा और ये 1 आएगा, एक एक करके ये सभी आते जाएंगे और फिर इधर से हटते भी जाएंगे। तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें हमें कॉस्ट काफ़ी कम लगता है, क्योंकि एक वायर हम खरीदेंगे और अपने एक वायर से हम मल्टीपल बिट्स डेटा को एक के बाद एक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें डेटा ट्रांसफ़र होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि जब ये पहला वाला बिट ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो इन सभी को वेट करना पड़ता है, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, ये फिर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, एक एक के बाद एक एक डेटा इसमें ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें वेटिंग स्टेट में टाइम लग जाता है। पूरा डेटा रिसीव होने में रिसीवर के पास हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का यूज़ हम लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। जिस ऑर्डर में डेटा सेंडर के पास यहाँ पे होता है, सेम उसी ऑर्डर में एक एक बिट डेटा रिसीव होता है, रिसीवर के पास भी फाइनल में डेटा उसी ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है। ये होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा को ट्रांसफ़र करने का रूल। अब चलिए हम आपको टाइप्स ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में बताते हैं। तो पहला टाइप होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का सिंक्रोनस, सेकेंड होता है असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इन सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन अ लॉट ऑफ डेटा इज सेंट इन अ ब्लॉक, ईच ब्लॉक हैज़ मेनी कैरेक्टर्स। इसमें जो डेटा होता है वो ब्लॉक में होता है और हर एक ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी बहुत सारे बिट्स में डेटा होते हैं, और उन सारे बिट्स के डेटा को हम एक बार में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, चलिए हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये मान लो हमारा कौन है, सेंडर है, ठीक है, उसके बाद ये चैनल है, तो ये दो ब्लॉक है, ठीक है। मान लो एक और ब्लॉक बनाते हैं, मैंने थ्योरी में ही बोला था अ लॉट ऑफ डेटा इज सेंट इन अ ब्लॉक, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये बहुत सारे डेटा हो गए, 3 ब्लॉक में डेटा है, एक एक बाइट डेटा यानी 8 8 बिट्स तीनों ब्लॉक में डेटा है, तो क्या होगा, ये चैनल था और यहाँ पे ये होगा हमारा रिसीवर। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि मल्टीपल ब्लॉक्स के डेटा हम रिसीवर के पास भेज सकते हैं। सबसे पहले मान लो सेंडर ने ये 3 ब्लॉक तैयार किया हुआ है रिसीवर को भेजने के लिए, तो रिसीवर एक ब्लॉक में जितने भी डेटा है रिसीव कर लेगा, फिर सेकेंड ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, तो इसमें हर एक ब्लॉक में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिया हुआ है। तो देखो एक ब्लॉक में टोटल 8 बिट्स डेटा है हर एक ब्लॉक में, और ये ब्लॉक बाय ब्लॉक सीधा रिसीवर के पास क्या होगा, एक एक करके रिसीव हो जाएगा। अब बात करते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन की, जो कि सीरियल का सेकेंड टाइप है। ये क्या होता है, इन असिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओनली 1 कैरेक्टर इज सेंट एट अ टाइम, वेदर दैट अ कैरेक्टर इज नंबर और अल्फ़ाबेट। इसमें क्या होता है कि एक टाइम में एक कैरेक्टर ही रिसीवर को रिसीव होगा, वो कैरेक्टर जो है वो नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर कैरेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है। इट यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, इसके पास 2 बिट होते हैं स्टार्ट और स्टॉप, ये इंडिकेट करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन को। तो चलिए इसका फिगर बनाते ताकि मैं आपको समझा सकूँ। सबसे पहले तो ये मान लो कौन है, अपना सेंडर है, ठीक है, और ये कौन है, रिसीवर है, डेटा को रिसीव करेंगे।
तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक बॉक्स, उसके बाद ये कुछ बड़ा सा बॉक्स और ये फिर एक छोटा बॉक्स, और रिसीवर के पास ही रिसीव होगा। तो मैंने बोला स्टार्ट और स्टॉप बिट्स होते हैं, ये डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करता है सेंडर और रिसीवर के बीच। तो ये जो स्टार्ट है ना, इसका वैल्यू होता है 0 और ये जो स्टॉप है ये 1 को इंडिकेट करता है। तो जैसे ही सेंडर मान लो डेटा सेंड कर रहा है यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये डेटा सेंडर रिसीवर के पास भेजना चाहता है, तो सबसे पहले ये जो सेंडर है ना रिसीवर को क्या भेजेगा, स्टार्ट बिट्स से ये रिसीवर को अलर्ट करेगा कि डेटा आने वाला है, ये डेटा आपके पास आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट बिट्स को ये भेजेगा, वो 0 को इंडिकेट करता है, तो रिसीवर को सबसे पहले क्या होगा, ये 0 रिसीव होगा। तो जैसे ही ये रिसीवर इस 0 को मान लो यहाँ पे रिसीव कर रहा, तो ये समझ जाएगा कि अच्छा सेंडर ने मुझे अलर्ट करने की कोशिश की है कि अब वो डेटा भेजना चाहता है। तो ये जो है ये हो गया स्टार्ट बिट, बस रिसीवर को बता रहा कि डेटा आने वाला है। जैसे ही रिसीवर जान गया कि अब डेटा आने वाला है, तो ये सारा डेटा क्या होगा, रिसीवर के पास एक एक करके रिसीव हो जाएगा। रिसीवर ने डेटा रिसीव कर लिया, उसके बाद सेंडर के पास यहाँ पे 1 होगा यानी स्टॉप बिट। लास्ट में डेटा रिसीव हो जाने के बाद सेंडर क्या करेगा, 1 यहाँ से सेंड करेगा रिसीवर के पास, डेटा रिसीव होने के बाद 1 आएगा। जैसे ही ये रिसीवर 1 को रिसीव करेगा, इसको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने डेटा को रिसीव कर लिया है, अब कोई भी डेटा नहीं बचा है मुझे रिसीव करने के लिए। सेंडर ने सारे डेटा रिसीव करने के बाद मुझे ये 1 भेजा, 1 का मतलब बस अब स्टॉप हो गया, डेटा आ चुका है, अब कोई भी डेटा हम नहीं भेजेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर ही एक टाइम में जा सकता है। मान लो ये 0 तो इंडिकेट कर दिया कि डेटा आने वाला है, तो एक एक कैरेक्टर क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा रिसीवर के पास, उसके बाद लास्ट में ये स्टॉप बिट का 1 आएगा, इसका मतलब डेटा सक्सेसफुली रिसीवर ने रिसीव कर लिया है। तो ये होता है असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। इस एक वीडियो के ज़रिए मैंने आपको डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।